Assalamualaikum everyone, my name is Hina, आप देख रहे हैं हिना फॉर सीक्रेट एंड हेल्थ बेनिफिट चैनल। आज मैं बनाऊंगी ब्लैक पेपर की माज की दाल और इसको बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, मैं किस तरह बनाती हूँ, चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं बनाऊंगी ब्लैक पेपर की माज की दाल, यानी काली मिर्च डाल के हम बनाएंगे माज की दाल जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे सबसे पहले वो देख लेते हैं। माज की दाल मैंने ली है 300 ग्राम, इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे पहले और इसको हमने बॉयल होने के लिए रख देना है। पानी मैंने जो है वो चूल्हे पर रख दिया है और इसके अलावा एक हम प्याज को सौते करेंगे, इसके बाद लहसुन अदरक सौते करेंगे। लहसुन अदरक है 1 टीस्पून और 2 हरी मिर्चों का इसमें पेस्ट है और इसके अलावा हरा लहसुन है थोड़ा सा और 2 मैंने टमाटर कटिंग कर लिए हैं और 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। शिमला मिर्च मैंने कटिंग कर ली है और दूसरी वाली जो ये वाली जो मिर्च होती है हरी, इसको मैंने 2 से 3 कटिंग कर ली हैं। इसके अलावा हरा धनिया लिया है और एक प्याज ली है। ये तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हम आखिर में ऐड करेंगे और जो इसमें मसाला जात ऐड होंगे, 1/2 टीस्पून साल्ट है, 1/2 टीस्पून दखनी मिर्च है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर है, 1/2 टीस्पून हमारे पास सिनेमन पाउडर है, 1/2 टीस्पून हमारे पास वाइट कढ़ाई का मसाला है और 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे जिंजर पाउडर। तो जिंजर पाउडर इसलिए हम इसमें ऐड करते हैं ताकि इसका जो बादीपन है वो ख़त्म हो जाए और ये हज़म भी थोड़ी देर से होती है, तो इसमें जिंजर पाउडर ज़रूर ऐड किया करें। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से वॉश करना है जी। दाल के लिए जो मैंने पानी रखा था वो बॉयल हो चुका है, दाल को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसको 5 मिनट मैंने भीगा रहने दिया है। तो अब मैं इसमें दाल ऐड कर देती हूँ जी। मैंने इसको कवर कर दिया है और दाल को हमने 5 से 10 मिनट इसको बॉयल होने देना है और जब ये बॉयल हो जाएगी तो फिर हम इसको मसाले में ऐड करेंगे। तो जब तक ये बॉयल हो रही है तो हम मसाला बना लेते हैं जी। मैंने एक और कढ़ाई ली है और फ्लेम को ऑन किया हुआ है, अच्छी तरह से खुश्क भी हो चुकी है, वॉश की। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, ऑयल को करेंगे गर्म जी। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है तो अनियन को सौते करते हैं। जी अनियन को मैंने सौते कर लिया है तो अब मैं इसमें गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट ऐड कर रही हूँ और हरी मिर्चों का पेस्ट, इसको अच्छी तरह से सौते करेंगे। जी लहसुन अदरक को मैंने सौते कर लिया है तो अब मैं इसमें हरी प्याज ऐड करूँगी। इसको भी हम 1 मिनट सौते करेंगे जी। हरी प्याज को भी मैंने सौते कर लिया है तो अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी और टमाटर को अच्छी तरह से भून लेंगे और टमाटर के साथ ही मैं इसमें तमाम मसाला ज़्यादा ऐड करूँगी, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और टमाटरों की भुनाई करेंगे जी। टमाटरों को अच्छी तरह से भून लिया है और दाल जो है वो बॉयल हो चुकी है तो बॉयल की हुई दाल इसमें ऐड कर देते हैं मसाले में जी। दाल मैंने ऐड कर दी है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जी। दाल को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और भून भी लिया है तो अब मैं इसमें 2 हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, शिमला मिर्च ऐड करेंगे और इसके अलावा दूसरी हरी मिर्च भी ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे और प्याज ऐड करेंगे और इसको हम दम पे रखेंगे जी। मैंने इसको कवर कर दिया है और 5 मिनट हम दम पे रखेंगे और 5 मिनट के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी जी। डिश आउट मैंने कर लिया है, आप देख सकते हैं माज की दाल जो कि तैयार हो चुकी है ब्लैक पेपर, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टिल देन टेक केयर।